जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि किसी भी भगवान देवी देवता के सामने दीपक जलाने से पहले आपको किन खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है वो जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, भगवान के सामने दिया जलाने का विशेष महत्व देखा जाता है क्योंकि अंधेरा हटाने के लिए दिए का सहारा लिया जाता है और साथ ही अंधेरा हटाने से आपके जिंदगी में अंधकार का साया भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बेहतरीन तरीके से ये दीपक जलाने से आपको जीवन में दुखों का पहाड़ नहीं झेलना पड़ेगा और आपके तमाम दुख दूर होकर सुखों का द्वार यहाँ पर खुलता नजर आएगा। इसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तों को मानना जरूरी है, जैसे कि दीपक जलाने के लिए ज्यादा लोग देसी घी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत से अवसर पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जलाने से पहले हमें दिए की बाती रुई से बनानी चाहिए और वो पतली होनी चाहिए, उसका सिरा तेल में पूरा डूबा होना चाहिए जिससे वो अच्छे तरीके से जल सके, बिना तेल को अच्छी तरह प्राप्त कर सके और अच्छी तरीके से जलकर आप उस दिए से अपने घर को चकाचौंध कर पाए, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर पाए। जी हाँ, और दीपक के अंदर तेल इतना होना चाहिए कि सरसों के तेल की खुशबू आपके घर में महकती रहे। जी हाँ, तो घर में बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा और दुखों का भी नाश होगा। नेक्स्ट टू नाइन स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।